जी देखिए, हमें 5 महीने लगे ये 100 एपिसोड बनाने के लिए। हमने शुरू किया था तब सर्दियाँ थी बॉम्बे में, दिसंबर में, नवंबर में, और अब जो है गर्मियों में है। तो इन 5 महीनों में बहुत सारे मोमेंट्स बीते, क्योंकि हम 14 घंटे जो है यू नो शूटिंग करते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट जैसे एक मैं बता सकता हूँ, हम होली के दिन शूट कर रहे थे और सीन भी होली का ही था। तो जो हम मतलब अपने रियल दोस्तों के साथ या रियल फैमिली के साथ मनाते, वही हम यहाँ अपने शो की फैमिली के साथ मना रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ मोमेंट करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। तो मतलब इतनी मस्करी चल रही थी कि जिसका डायलॉग नहीं है, कोई आके बोलता था हैप्पी होली और दूसरा बोलता था मारूंगा गोली। और फिर जो है हम सब एक ही स्टेप ऐसे यू नो हम सब ने पूरे मतलब पूरे सीक्वेंस में वो स्टेप किया, कलर भी लगाया। पैकअप के बाद जो है लोगों का फ़ोन मांग के कि यार एक सीन फ़ोन देना, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। फ़ोन लेके जो है पूल में फेंक दिया लोगों को। तो वो कुछ स्वीट मेमोरीज हैं अभी तक की। अदरवाइज़ तो बहुत सारे जोक्स हैं, बहुत सारी यू नो कई बार कुछ हम शूट कर रहे होते हैं सीरियस सीन पर, कोई गिर जाता है, कोई यू नो कुछ ले जाना होता है, तो बहुत सारी ऐसी कॉमेडी होती है। सो आई थिंक वही जो मोमेंट्स हैं वो मुझे याद रहेंगे। ये शो विंटर्स में स्टार्ट हुआ था, तो विंटर्स की बात की जाए तो विंटर्स एक अलग ही फील देता है। तो विंटर्स के कुछ ऐसे स्टार्टिंग मोमेंट्स मुझे याद है कि हम शादी शूट कर रहे थे, और क्योंकि वो शादी रात का सीक्वेंस था और पूरी रात हमें शूट करना था, रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे, और हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे जहाँ पे पूरा ही जंगल है, तो वहाँ और भी ज़्यादा सर्दी है। तो मुझे याद है कि यू नो 2-3 बजे जो सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, और लेडीज स्पेशली जिनका यू नो कंधा खुला हुआ था, ये वो इवन हम लोग जिन्होंने शेरवानी पहनी थी वो नीचे जो है सिर्फ यू नो नॉर्मल पजामा पहना हुआ था, तो हम नीचे से ऐसे ऐसे हिल रहे थे और लेडी जो है ऊपर से ऐसे ऐसे हिल रही थी। सो वो बड़ा फनी था कि सबको ठंड लग रही थी, यहाँ तक कि मतलब कई लोग थे जो हवेश हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो ये जो है शॉल लपेट के जो है लड़कियों का शॉल लपेट के उस दिन शूट कर रहे थे शादी के दिन। हाँ। कितनी सर्दी लग रही है। अरे मुझे तो मेरी हालत खराब थी, मैं लड़की से दुपट्टा मांग रहा हूँ, अरे आपका भी दे दो, आर्टिस्ट सबका मांग रहा हूँ, आपका दे दो सबका, मैं पकड़ के रखूंगा, मतलब उस बहाने में ओढ़ लेता था। फिर कट होता देता था, फिर बोला जैसे एक्शन मतलब सब मुझे दे दो, मैं सबको मेरे ऊपर डाल देता, ऐसी हालत थी। बड़ा मज़ा भी आया था। तेंदुआ भी आने वाला था, तेंदुआ भी आने वाला वो तो पहले देखा हुआ था, दोस्त था अपना, तो ज्यादा घबराहट नहीं थी। बाकी तो आपके यहाँ आपके गुजरात में तो पूरा शेर आते हैं, लाठी से भगा देते आप तो। अरे वहाँ पे तो औरतें भी लाठी से भगा देती है, ऐसी ऐसी शेरनिया पड़ी है। हम बात करें शो की, तो शो में अपने कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा कैरेक्टर जो है वो आयुष्मान मैं प्ले करता हूँ, मिडिल क्लास लड़का है जो ग्वालियर से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसके पिताजी नहीं है इसलिए उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी पड़ी है। मम्मी जो भी जो है वो जॉब करती है, तो घर पे और कोई है नहीं भाई बहन, तो ये स्पेशल वो है। आई थिंक मुझे इस कैरेक्टर में अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो गिवर है, यू नो सबके लिए सबकी सिचुएशन समझता है, सबके लिए कुछ करता है, और जिससे वो प्यार करता है काव्या जो हीरोइन है उसके लिए। बात की जाए काव्या की, ऐसा क्या कुछ मोमेंट्स आने वाला है कि काव्या और आपकी शादी होगी या नहीं होगी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है, कुछ आपको हमें व्यूअर्स को आइडिया देना चाहोगे आप? देखिए एक यू नो इरशाद कामिल एक राइटर है जिन्हें रॉक स्टार के गाने और जब वी मेट और बहुत सारे गाने लिखे, वो ये कहते हैं कि जो अधूरा होता है ना वही ज़िंदा होता है, जो पूरा हो जाता है वो तो ख़त्म हो जाता है। जो कोई भी चीज़ से अभी हम शो कर रहे हैं, ये जब पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सो आई थिंक वो ब्यूटी है लाइफ की, अगर हम उसे इस तरह से देखें कि जो चीज़ इनकम्प्लीट है वो अलाइव है, हमारी ज़िंदगी खुद जो अभी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं होनी है, वो अलाइव है। सो मैं उसे इस लिहाज से देखता हूँ, सिर्फ ऐसा सोचना कि जब शादी हो जाएगी तो शादी तो 2 दिन की या 4 दिन, आप अगर आप गरीब हैं तो 2 दिन के फंक्शन होते हैं, अगर आप अमीर हैं तो 4 दिन के फंक्शन होते हैं, उसके बाद तो इंसान आप सेम ही रहते हैं। सो ज़रूर यू नो ये चाहेगा, बट अभी शो में क्योंकि एक शादी यू नो जो उस जिसको वो चाहती थी, अमर उपाध्याय का कैरेक्टर, उनसे उनकी शादी हो गई थी, सपना साकार हो गया था, बट वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तो अब दैट इज़ थोड़ा सा मतलब एक विधवा। आई डोंट थिंक आयुष्मान भी एज अ कैरेक्टर ये अभी नहीं सोचेगा कि जो है अभी उसकी शादी हो जाए और ये हो जाए, क्योंकि वो अपनी चीज़ों से अभी जूझ रही है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ उसे विधवा हुए,
बट आई थिंक फैंस जरूर ये चाहेंगे. सो लेट्स सी जब होगा तब होगा. ओके, लास्टली आप अपने चैनल आईडी और अपने व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं बॉलीवुड विंडो? मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, हमारे शो को दिया है, वो बनाए रखें. और जिन लोगों ने ये शो नहीं देखा है, वो शिमारू उमंग जो एक फ्री चैनल है उस पर मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे हम जो है 9 o'clock आते हैं, वो देख सकते हैं. वरना अगर हम आपको ऐप पे देखना है तो शिमारू मी ऐप है, जहाँ पे आप फ्री में लाइव जितने भी शोज आ रहे हैं 9 बजे जो हमारा आता है मंडे टू सैटरडे, वो देख सकते हैं. एक एपिसोड ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखेंगे.